हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट। तो मैं जब भी अब टीवी देखती हूँ या फ़ोन ओपन करती हूँ, जो भी है जैसे भी, हमेशा हर बार सचिन मनीषा की वीडियो, नेहा से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा जो भी है, वो सब आप लोग भी बहुत नोट कर रहे होगे, आप लोग भी देखते होगे। सचिन मनीषा चैनल जो है, हाँ, सचिन भाई का, मनीषा का अलग है, मनीषा दी या भाभी जो भी है, मैं तो पर्सनली इनको जानती नहीं हूँ। नेहा तिवारी जी हैं और तिवारी जी की बहू, ये सब उनके चैनल्स अलग हैं। मैं उनको भी नहीं जानती हूँ पर्सनली, किसी को भी नहीं जानती हूँ, बट मैं इन चीज़ों से एक चीज़ ज़रूर वो करना चाहती हूँ कि जो ये सब चल रहा है आजकल, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप लोगों ने नहीं सुना, नहीं सुना फिर भी मैं बता देती हूँ कि जैसा कि सचिन भाई के बारे में बता रहे हैं, नेहा तिवारी जी के साथ मतलब अफेयर टाइप आप लोग समझ सकते हो, ऐसा कुछ है, काफ़ी दिनों से है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी छोड़ो क्या वीडियो इस पर बनाना, पर जब भी मैं टीवी ऑन करती हूँ या फिर फ़ोन मैं कुछ मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ तो हमेशा मतलब कि एटलीस्ट अब तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो रही है उनके अफेयर के बारे में। और मैंने मनीषा भाभी के, भाभी या दी जो भी है, मैंने उनके व्लॉग्स देखे अभी एक दो रिसेंट में, मतलब काफ़ी मतलब दुख सा हुआ ये सब सुन के कि जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ, सचिन भाई ने किया या नेहा जी ने किया, नेहा दी ने किया, उनकी लाइफ में तो पहले भी इतनी प्रॉब्लम। हाँ, उनके व्लॉग में कभी कभी देख लेती हूँ, व्लॉग तो सभी के ही कभी ना कभी आ ही जाते हैं सामने, उनके व्लॉग में कभी कभी देख लेती हूँ, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही स्ट्रगल वाली है और है, थी और है भी, और अभी वो बहुत ज़्यादा दुख झेल रही हैं। ऐसा लगता था मुझे, लगता तो खैर अभी भी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है मुझे, बाकी और लोगों को तो क्लियर होंगी शायद से, पता नहीं स्ट्रगल कर रही हैं या जो भी है, इनकी लाइफ में वैसे दुख तो थे हैं भी, मैं क्या कहना चाहूँ, क्योंकि उनका अब देखो, अब उनकी शादी भी अब किसी और से तय हो गई है, और जो सचिन भाई हैं वो भी काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं, व्लॉगर भी हैं, काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है ना, नेचर उनका काफ़ी अच्छा है, तो उनके भी व्लॉग्स मैं कभी कभार देखती हूँ। तो ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, तो मैं तो कहूँ जल्दी से वो चीज़ें सारी बंद हो जाएँ। और अफेयर बहुत बड़ी चीज़ होती है एक वाइफ के लिए, पर उसको पता चलना कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, बहुत बड़ी। मतलब ये मान लो कि मैं बात करने में भी ऐसे हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा ये सब बातें करने में, क्योंकि एक औरत के लिए ना शादी के बाद स्पेशली एक हस्बैंड ही तो होते हैं जो उनके फुल सपोर्ट में रहते हैं, उनको केयर करते हैं, उनको लव करते हैं, उनको ये रहता है कि बस मैं उनके लिए और वो मेरे लिए सब कुछ है, इनफ है, बस ख़त्म। लेकिन जब ऐसा कुछ सुनने में आता है ना, कोई थर्ड पर्सन आके हम उन दोनों के बीच में आ जाता है या फिर चीज़ें ख़राब होने लगती है, और जबकि काफ़ी टाइम पहले वाइफ को पता हो कि हाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, फिर भी चुप रहना, मनीषा जी आपका स्पेशली, फिर भी चुप रहना, इन सब चीज़ों को झेलना काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो इसमें हैट्स ऑफ करने वाली तो कोई बात नहीं है, बाकी आपको बोलना चाहिए था, चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं ऐसा लगता है आपके व्लॉग्स को देख कर। तो मैं तो यही कहूँगी दोनों साथ में रहें और सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं। वैसे नेहा जी की तरफ से अभी तक तो कोई रिएक्शन ब्लॉग या फिर कोई भी ऐसे रिएक्शन क्या, कोई भी अभी किसी भी टॉपिक पर बातें या सामने नहीं आई हैं, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाए मैं तो यही कहूँगी। और अब तो इतने सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इतनी वीडियो बना के रखी है, इतनी वीडियो बना के रखी है, और जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, जैसे कि हमको मान लो या कोई भी है, मैं भी यूट्यूब पर हूँ, तो मैंने सोचा मुझे भी बनानी चाहिए शायद वीडियो इस पर। मैं कोई ऐसे किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कभी आप लोग सोचो कि हाँ भाई मैं बीच में व्यूज़ लेने के लिए जा रही हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को गलत बोला जा रहा है। नीतू दी पर्सनली, मतलब पर्सनली नहीं, वैसे मैं उनके व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ तो काफ़ी उनका नेचर बहुत अच्छा है, और लगता नहीं है कभी भी मतलब वो ऐसे, यार उन्होंने तो फ्रेंडशिप ही की थी, अब उनको क्या पता था ये सब हो जाएगा, बाकी उनको ना घसीटा जाए इन सब में तो बेटर है, वो तो काफ़ी अच्छे हैं लगता है। देखो मैंने सामने से तो किसी को देखा नहीं है ना, मैंने जाना उनको, बट व्लॉग से पता चल जाता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये है। और ऐसे तो व्लॉग से तो नेहा जी के बारे में भी काफ़ी कुछ मैंने जाना था, बट ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा सब कुछ होगा, उनकी एक लड़की भी है, तो बताओ किसी शादीशुदा आदमी के साथ ये सब करना, अफेयर करना तो शोभा नहीं देता और फिर अच्छा भी नहीं लगता है यार, कितना गंदा फील होता है। तो मैं तो यही कहूँगी मनीषा जी, आप तसल्ली रखो,
और हमारा सपोर्ट है आपको, और सचिन भाई भी होप सो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और सही रास्ते पर आ जाएंगे, मतलब कि दोनों साथ में हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी, मैं तो भगवान से ये दुआ करूँगी काफ़ी अच्छी आपकी लाइफ हो पहले के जैसी, जैसे आप पहले रहते थे एकदम हैप्पी। मैं आपके बर्थडे के, आपके एनिवर्सरी के सबके ब्लॉग देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। और अब सभी लोग आ रहे हैं घर में, उनके अमित किटो जी आ रहे हैं और भी लोग हैं, मीशू दी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो काफ़ी लोग सारे लोगों को उनको सपोर्ट है। तो यार और भी अपना सपोर्ट बनाओ, व्यूज से कुछ नहीं होता है, बस किसी बंदे की लाइफ बच जाए वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और पता है व्यूज़ के लिए लोग इतने सारे रिएक्शन चैनल है, ये पता है क्यों बन रहे हैं? बस लोगों को ये चाहिए, पैसे, पैसे की वजह से। और क्योंकि और पैसे भी, और किसी को पॉजिटिव चीज़ नहीं देखनी है ना ही बनानी है, क्योंकि लोग देखना पसंद ही नहीं करते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं नेगेटिविटी। जहाँ पे लड़ाई हो रही होगी, जहाँ पे रिएक्शंस ब्लॉग शूट हो रहे हैं, या फिर जहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि किसी का घर टूट रहा है, किसी का घर खराब हो रहा है, वहाँ पे लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए लोग वो चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो रिएक्शन वालों को तो ये हो जाता है जब व्यूज जाते हैं कि अरे वाह ये हो गया, तो अब और बनाओ, और व्लॉग्स बनाओ ऐसे, और उनके उसको तबाह करो, ये करो, रिकॉर्डिंग आ रही है सामने, सब कुछ कर रहे। तो प्लीज़ यार ये सब कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, क्या पता उनकी लाइफ ठीक ही हो जाए। तो हम तो यही प्रे करेंगे भाई उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, और आप भी प्लीज़ ये कोशिश करो कि ये सब बनाना बंद कर दो और उनकी लाइफ उनके हिसाब से उनको जीने दो, उनको अपने हिसाब से ब्लॉग लाने दो, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तो कहूँ अभी कोई भी इस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, तो इसलिए तो मैं तो बस इसमें इतना ही कहना चाहूँगी। और सच में यार पहले मेरे को भी ना ये लगता था यार मैं भी जाऊँ, मतलब कि जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिलते हैं शादियों में, उनके फंक्शंस होते हैं, इवेंट होते हैं, और जैसे कि बर्थडे पार्टी में सब लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, जैसे ब्लॉग व्लॉगर आपस में बुलाते हैं, कोई इंस्टाग्राम से किसी को जानता है तो वो बुलाते हैं, लेकिन अब डर लगता है यार ये सब चीज़ें सुन के कि लोग मिलते हैं आपस में और फिर लड़ाइयाँ होती हैं और फिर एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लॉग बनते हैं, तो उन चीज़ों से डर लगता है। पहले तो मन करता था मेरा भी, मुझे भी कोई बुलाए, मैं किसी को बुलाऊं, मेरे घर में जागरण होता है, अभी भी मेरा बहुत मन था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि सही किया मैंने, क्योंकि दूर से, अगर दूर से रिश्ते ठीक हैं, दूर से हम किसी को देखना पसंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और पास से जब चीज़ें ख़राब हो सकती हैं तो फिर डर लगने लगता है। और ख़ासकर ये जैसे चीज़ें आजकल चल रही हैं तो उनसे तो बहुत दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो बस मुझे यही कहना था थोड़ा बहुत जो भी था, बहुत टाइम से मैं ये सब चीज़ देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी ब्लॉग बना लेती हूँ, मेरे मुँह से अभी भी अंदर बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ बट इतना ही बहुत है, क्योंकि सही में ही हमें ये सब चीज़ें बनाना बंद करना चाहिए, ये सब चीज़ें बोलना बंद करना चाहिए। उन दोनों की लाइफ है, सचिन भाई की और मनीषा दी की, जो भी है उनको खुद ही हैंडल करने दो, क्योंकि बार बार रिएक्शन व्लॉग आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, तो चीज़ें फालतू में इतनी ज़्यादा वायरल होंगी, सही चीज़ सामने नहीं आएगी। तो वही कि अभी थोड़े दिन शांत बैठो, उनको भी रिलैक्स रहने दो, ठीक है? तो चलो गाइस मेरा आज का यही था, मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती थी कि पॉजिटिविटी की तरफ जाओ, आप लोग भी पॉजिटिव चीज़ें देखो, उनको ही सपोर्ट करो। ओके, बाय बाय।